तो आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो ये कहानी है एक बालक की। एक बालक की संघर्ष की कहानी है जो आज तक कंटिन्यूड है। और ये बालक उत्तर प्रदेश का अगर आप एक नक्शा देखें तो उसके बिल्कुल साउथ में एक छोटा सा रीजन है जिसको बोलते हैं बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है झांसी। और आपने सुना होगा झांसी के बारे में, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब इस तरह के प्रोवर्ब में झांसी की रानी का, ऐतिहासिक नगर झांसी का रेफरेंस आता है। तो उस छोटे से नगर झांसी में उस बालक ने जन्म लिया 1949 में। जन्म लेने के बाद उसके दादा दादी माता पिता ने उस बालक का नाम विनोद रख दिया। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने विनोद रखा। मेरे फादर का नाम था बीडी अग्रवाल, बिशंबर दयाल अग्रवाल। मेरी मदर का नाम था अंगूरी देवी। ना तो कुछ मैचिंग था, कुछ भी नहीं था, लेकिन विनोद रख दिया। बट विनोद का जब मतलब देखा गया तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि कठिनाइयों से हंसते खेलते जूझता रहता है। इसका अगर आप देखें नेट पे इसका मतलब देखें तो ये आता है। तो खैर वो 49 में पैदा हुआ और 54 में उसके फादर का ट्रांसफ़र लखनऊ यूपी इरीगेशन डिपार्टमेंट हो गया, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वो फिर 54 में मैं वहाँ पहुँच गया और जब मेरी आँख खुली, होश संभाला, तो घर में एक लालटेन जलती हुई मिली। लालटेन जलती हुई मिली जिसके प्रकाश से घर का काम चल रहा था। घर के पास एक छोटी सी पाठशाला थी जिसका नाम था श्री दुर्गा गीता विद्यालय, जहाँ पे गीता एक कंपलसरी सब्जेक्ट होती। बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, आजकल बच्चे गीता का एक श्लोक नहीं पढ़ सकते। हमको काफ़ी कुछ गीता के श्लोक उस समय याद थे और आज भी याद है। उस पाठशाला में भर्ती करा दिया जो कि घर से 1 किलोमीटर दूर थी। लालटेन के अंदर मिट्टी का तेल यूज होता है, मिट्टी के तेल से निकलने वाली गैस होती है जो भी पड़ते समय आँख में जब लगती थी तो आँखों में बड़ी तिलमिलाहट होती थी। तो मैंने एक दिन अपने पिताजी से पूछा, शायद आउट ऑफ अनॉयंस, लेकिन गुस्से में तो नहीं पूछा होगा, कि भाई हमारे यहाँ बिजली क्यों नहीं? बाजू वाले घर में तो बिजली है लेकिन हमारे घर में बिजली क्यों नहीं? हमारे पिताजी बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे, ही न्यू द आर्ट ऑफ इंस्पायरिंग चिल्ड्रन। उन्हें भाई बिजली तो तुम्हारी वजह से ही नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते? मेरी वजह से क्यों नहीं है? कि भाई तुम हर क्लास में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते रहो, टॉप करते रहो हर क्लास में, विद इन 3-4 ईयर्स घर में बिजली आ जाएगी। हैं, ये तो बहुत आसान है, क्लास में टॉप करना तो बिल्कुल आसान है। तो बस एक जुनून पैदा हो गया, एक पागलपन पैदा हो गया, एक धुन पैदा हो गई कि घर के अंदर लालटेन हटाना है और बिजली लाना, ये हमारा काम। तो 6ठी क्लास से लेके 6ठी में टॉप किया, 7th में टॉप किया, 8th में टॉप किया। लोग सोच रहे थे हो क्या गया इस लड़के को, दिन में पढ़ना रात में पढ़ना। माँ हमारी रात को 12 बजे आ जाती थी, बेटा सो जाओ, उसको हमारे ऊपर तरस आता था, भाई क्यों पढ़ रहा है, जाओ तो घर में लालटेन हटेगी, ये मेरा जवाब होता था। 3 साल के बाद मुझे 372 रुपये का इकट्ठा स्कॉलरशिप मिला। वो मेरे फादर को शायद पहले से ही पता था कि इस स्कूल में ऐसा होता है। 372 रुपये 1957 में बहुत बड़ा अमाउंट था। 72 रुपये में पूरी लाइट लग गई, वायरिंग हो गई, बल्ब आ गया, लालटेन हट गई और एक टेबल फैन भी आ गया, वो पैसे बच गए। तब वो पूरा घर जो मिट्टी के तेल
कि लालटेन से जलता वो प्रकाशमान हो गया और घर वालों ने उस लालटेन को हटने का मतलब ये समझा कि ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, जबकि थे नहीं, पता नहीं थे कि नहीं थे, लेकिन कहा उन्होंने इस आशा में था कि भाई टेंथ कर लो, 11, 12 भी फर्स्ट डिवीजन ले आओ, BSc भी फर्स्ट डिवीजन ले आओ, ताकि तुमको MSc फिजिक्स में करने का अवसर मिल सके। उन दिनों मैथ्स में MSc करने से और केमिस्ट्री में MSc करने से नौकरी नहीं मिलती थी, 71 की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने फिजिक्स में MSc किया हुआ है तो निश्चित रूप से नौकरी मिल जाती थी। और UGC का स्केल होता था 300 से 800, बहुत सारे फैक्ट्स अभी तक याद है। तो 300 रुपये की नौकरी घर के एक मेंबर को मिल जाए तो बाकी किसी को शायद कमाने की जरूरत ही नहीं। कितनी बड़ी बात थी 300 से 800 के स्केल में मिलना UGC का, 25 रुपये का इंक्रीमेंट। खैर, लेकिन जब ये देखा गया यार ये तो फर्स्ट आते ही चला गया, तो वो एक जो उसको कहना चाहिए कि भाई हमारे बारे में एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा हो गए, भाई MSc क्यों कराया जाए, कुछ और आगे सोचा जाए। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म मंगा लिया गया, जो कि आना चाहिए 5 रुपये का, लेकिन हमारे एक रिश्तेदार थे उन्होंने फ्री में भेज दिया, भर दिया, वो एडमिशन ही हो गया। वो क्योंकि 12th में अच्छी नंबर आ गए, बस अच्छी रैंक आ गई मेरिट में, तो आप समझ लीजिए मेरा एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। और जब वहाँ पढ़ने गए तो वहाँ भी एक इम्तहान होता है मेरिट का, मींस उसमें बैठ जाओ और अगर आ जाओ तो 75 रुपये का स्कॉलरशिप और फ्री ट्यूशन फी वो भी मिल गई। तो मतलब थ्रू आउट माई एजुकेशन मनी वॉज नॉट स्पेंड, मनी थी ही नहीं, इसलिए स्पेंड होने का सवाल ही नहीं होता। 5 साल में इंजीनियर बन गए। अब इंजीनियर बनने के बाद पहली जॉब लगी इत्तेफाक से आपके शहर कोटा में। उस समय ये JK में 3 नए प्रोजेक्ट आए थे, टारगोड सिंथेटिक स्टेबल फाइबर और एक्रिलिक प्लांट, ये तीनों एक साथ ही आए थे। और नौकरी मिली, और वो जो नौकरी मिली उसमें स्टार्टिंग थी 400 रुपये और 75 रुपये का इंक्रीमेंट, 400 से लेके 1850 75 तक, वो बहुत अच्छी थी। तो हमारे फादर ने जो UPSC से जो वो अपॉइंटमेंट लेटर है वो तो फाड़ दिया सरकारी नौकरी का, और ये अच्छी, इसमें तुम रिश्वत नहीं लोगे, वो झंझट का कोई काम नहीं। तो हमने ये वाली नौकरी पकड़ ली। ये नौकरी पकड़ने के 3 साल बाद हमारे दादा दादी ने हमको एकदम बुलाया कि तुम्हारी शादी जो है हमने कर दी, अच्छी लड़की चौकी है, इससे ज़्यादा कुछ बताया ना, लड़की चौकी है, तुम घर जाओ नौकरी करो। तो हमारी शादी एक चौकी लड़की से कर दी गई जो कि यहाँ बैठी हुई है। और अब शादी के वही 1-2 साल तो अच्छे चले, उसके बाद फिर कुछ इस तरह के विकार शरीर में आना शुरू हो गए। डॉक्टर AQ खान वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू हुम आई हैड कंसल्टेड, और जब वो उनको कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरे को भेज दिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और वहाँ उन्होंने जो बताया वो अच्छा नहीं बताया, भाई ये दिस इज़ नॉट अ गुड डिजीज, इसमें ये सुनामी वेव्स आने वाली हैं, आपको फेस करना है, और इंडस्ट्रियल लाइफ आपके लिए किसी भी हालत में बैठेगी नहीं, एक वो दिन आएगा जबकि आपको लाला जी नौकरी से निकाल देंगे। और ऐसा हुआ कब, 83, वो डिजीज बढ़ती गई, मसल पावर कम होती गई, और अल्टीमेटली जो लम्बरेटा हम इजीली चला लेते थे वो चलाना बंद हो गया, नौकरी भी हमारी गई। फिर नौकरी जाती कैसे, वो तो भाग्य में कुछ और ही लिखा था। हमने 2, 4, 5, 6 लेटर लिख दिए न्यूरोलॉजिस्ट को। एक न्यूरोलॉजिस्ट ने मेरे को लिखा कि आप झंझट में मत पढ़ो, आपको मैं सजेस्ट करता हूँ एक प्रोफेशन स्टार्ट कर दो, टीचिंग एट होम, वंस यू स्टार्ट टीचिंग एट होम द डिजीज इज
यू कैन मैनेज दिस डिसीज, अदरवाइज आपको टाइम पास करना बहुत मुश्किल होगा. द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन इन दिस केस इज द पास्ट टाइम. पास्ट टाइम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. अब वो मैं और आज में वो फेस करना शुरू कर दिया मैंने. आज भी मैं डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ विद दिस इलनेस, और वो डिफिकल्टी है पास्ट, हाउ टू पास्ट है, इसलिए मैंने फिर पढ़ाना शुरू कर दिया. पास्ट टाइम इज अ बिग बिग प्रॉब्लम एंड मोस्ट ऑफ द पीपल सफरिंग विद दिस इलनेस कमिट सुसाइड, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव. अब वो सुसाइड करते हैं अर्ली स्टेज में व्हेन दे आर केपेबल ऑफ डूइंग सुसाइड. अभी तो मैं सुसाइड भी नहीं कर सकता. अभी तो बहुत मुश्किल है. हाँ, एक तरीका है सुसाइड करने का कि वो स्लीपिंग पिल्स बहुत सारी खा लूँ. अब वो भी पता नहीं हमारा जो केयर टेकर है वो हमें दे या नहीं दे, और श्योरिटी नहीं है उसमें, श्योरिटी भी नहीं है. नहीं, मैं सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को जो मैं सिखाता हूँ वो कुछ और है. अब क्लास में मैंने इतना अच्छा गेटअप हो गया भगवान की दया से, इतना अच्छा, इतना हंसे, इतना मतलब गाना गाया जितना शायद लाइफ में कोई नहीं गाता. और इतना लिखना मेरे को बहुत, इतना लिखना पड़ा मेरे को कि मेरी ये सब मसल्स बहुत पावरफुल हो गई, इतनी एक्सरसाइज हो गई. एक नॉर्मल आदमी से हाथ मिलाता हूँ या चेक करता हूँ अपनी रिस्ट की पावर, वो ज़्यादा होती है. तो इस तरीके से मेरी लाइफ कटती चली गई, डिफ़िकल्टी आती रही, लेकिन मैंने कभी भी आने वाली डिफ़िकल्टीज या कठिनाइयों को अपने हौसलों पर हावी नहीं होने दिया. झेलते गए, हर तरह से झेलते गए. मेरा अगर हाथ नहीं ऊपर उठता है तो कोई ना कोई तो उठा ही देता है, कोई ना कोई मिल जाता है. अब मेरा ग्रैंडसन इतना बड़ा हो गया, वो मेरा हाथ उठा देता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. है, पीए भी थी, पर्सनल असिस्टेंट मिल गई, वो उठा देती थी. वाइफ तो हमेशा ही अवेलेबल थी. अब तीसरा एलिमेंट, आज मैं खाना खा रहा था तो ग्रैंडसन आया, बोले दादू मैं आपका हाथ उठाता हूँ. तो मैंने गस्सा तोड़ा, सब्जी मिलाई, उसने हाथ उठा दिया, मुँह तक ही उठाया. सीधी इंटेलिजेंस होते चाहिए, वहीं तक ले गया, दादू अब ठीक है. हाँ बेटे पूरा ठीक. तो इफ़ योर ग्रैंडसन इज हेल्पिंग यू, नथिंग लाइक इट, नो प्लेजर ग्रेटर देन दिस. और आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बी हेयर इन दिस टाउन, वेरी पोलिटिकल स्टेबल. मेरे को हर तरफ से, समाज से, मेरे को राजनीति से, मेरे को हर तरफ से सपोर्ट मिली, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से. और मेरे को पढ़ाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं. और कोटा के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इतना सपोर्ट उन्होंने किया कि अगर मैंने किसी भी डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, एक बजे भी, दो बजे भी, तीन बजे भी, तो ही हैज़ केप्ट मी हेल्दी एट ऑल कॉस्ट, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. मैं क्लास में था, मुझे हार्ट अटैक हुआ, और मैंने डॉक्टर साकेत को फ़ोन किया, यहाँ बैठे हुए हैं आप फौरन आइए. दो ढाई बजे मैंने फ़ोन किया, तीन बजे इन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर कर दिया, और छः बजे मेरे ख्याल से मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया. इनके फादर भी आ गए, सब लोग आ गए, सब मिल के डिसाइड किया. मतलब मेरे केस में ऑपरेशन करना वाज वेरी डिफिकल्ट. धारीवाल साहब तो नाराज़ हो गए थे कि आप लोग गधे हो, बेवकूफ़ हो, कोटा जैसा शहर में ऑपरेशन करा रहे हो हार्ट का, लोग तो अपोलो में दिल्ली में कराते हैं, क्या दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम थी. मैं तो मेरे लिए चलता, मैं यही थी मेरी प्रॉब्लम थी, वो नहीं समझ रहे कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है. तो मैं आज तक डॉक्टर साकेत का शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे ऑपरेशन में, जब मैं ऑपरेटेड कंडीशन में था, तो ये मेरे को इंस्पायर करते थे, डोंट वरी. तो ये जो डोंट वरी आके बोलते थे सब कॉन्शियस में, उससे मैं होश में आने की कोशिश करता था, और मैं बहुत जल्दी होश में आ गया. ऑपरेशन के बाद बहुत कुछ याद है मुझे. अब मैं इनसे सिर्फ यही कहता था कि आप बस मेरी अर्लीस्ट क्लास लगवा दो बस. और वो इन्होंने, इनको ज़रूर ये लगा होगा ये कहता बेवकूफ़ आदमी है, ऑपरेट हुआ पड़ा है और कह रहा है
मेरी क्लास लगवा दो, पता नहीं मेरे को शायद कुछ इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से इतना मोहब्बत हो गई थी और इस प्रोफेशन की वजह से आज भी मैं बचा हुआ हूँ, क्योंकि जब भी दिक्कत हो किताबें खोल के बैठ जाओ पढ़ो। और मैंने फिर शुरू कर दिया, दो या तीन बच्चों से पढ़ाना शुरू कर दिया और आज मेरे पास 6 बच्चे हो गए और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। 81 में मैंने एक बच्चे से शुरू किया था, वो 25,000 हुए थे। अब उतनी हिम्मत तो नहीं है, क्योंकि हार्ट भी ऑपरेटेड है, ब्रेन भी ऑपरेटेड है, गॉल ब्लैडर भी गायब कर दिया लोग बागों ने, और मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ निकाल ली हो और पता ही नहीं। लेकिन काम मेरा चल रहा है, खाना हजम हो जाता है, नींद पूरी आ जाती है, सब कुछ हो रहा है। तो ये इतिहास मान लो आप इसको, लोग नर्वस। मेरे पास एक फ़ोन आया इलाहाबाद से, एक लड़की का, गीता नाम था उसका। उसने कहा सर आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, यहाँ मैं मौसी के पास रहती हूँ, माँ बाप मेरे डेथ हो गई है और मौसी तो मुझे एक्सेप्ट कर रही है, बट मौसी के लड़के कहते हैं इसको ये मतलब दे वांट टू गेट रिड ऑफ मी, तो आप मुझे अपने पास बुला के कोई जॉब दे दो, कुछ भी दे दो, मैं करती रहूँगी, लेकिन ये स्वाभिमानी ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके बारे में सुना है, आप बुलाओ। तो मैंने वाइफ से कंसल्ट किया, वाइफ ने कहा भाई लड़की लड़का होते तो बुला लेते, लड़की में फिर वो ये सुरक्षा की प्रॉब्लम। तो फिर मैंने उसको चिट्ठी लिखी, मैंने कहा मैं एक भेज रहा हूँ किसी को तुम्हारे पास, वो तुम्हें सब समझा देगा, 10,000 रुपये महीने में भेजता रहूँगा तुम्हें लाइफ टाइम, 5,000 रुपये महीने में फिजियोथेरेपिस्ट करो एक अच्छी एक्सरसाइज के लिए, और 5,000 रुपये महीने तुम अपने पास जोड़ती रहो, और बहुत ज़्यादा किसी में दिमाग मत लगाओ, लेकिन फिजियोथेरेपी करना बहुत ज़रूरी है। बट वो लड़की ने पता नहीं क्या बेवकूफ़ी क्या, वही टाइम पास करना बहुत दिक्कत, बैठे हो एक जगह से इधर से उधर उधर से उधर बिठाने में प्रॉब्लम। तो बस वो नेक्स्ट मेरे पास जो चिट्ठी आई कहीं इस पर्टिकुलर डिजीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रोफी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे, हिंदुस्तान के लेवल पे वो है सोलन में, जिसकी प्रेसिडेंट है गोयल, गोयल करके ही है कोई, संजना गोयल। तो उनसे मेरी जब बात होती रहती, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला उसने आत्महत्या कर ली। उन्होंने बहुत बड़ा चंडीगढ़ में एक फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर बनाया, तो मैं देता रहता हूँ पैसा, जितना भी दे सकता हूँ, लेकिन वो बताती रहती हैं कि इसमें लोग सुसाइड ही करते और अर्ली स्टेज में ही कर लेते। अब अमेरिका से एक जर्नलिस्ट भी आया था, मेरी क्लास में भी बैठा था, अब वो सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि हाउ इन इंडिया ए पर्सन कैन डू सो मच, बट अमेरिका में कोई कुछ कर ही नहीं पाता है, वहाँ पे सब चीज़ एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय स्टेट, आपको सब चीज़ मिलती है वहाँ से, पैसा भी मिलता है, तो कोई क्यों मेहनत करेगा। तो वो सब प्रॉब्लम्स रहती हैं, प्रॉब्लम मुझे अब अभी भी आना शुरू हो गई हैं, लेकिन प्रोवाइडेड मेरे पास तो खैर केयर टेकर महावीर बहुत अच्छे अच्छे लोग कोटा में मिल गए हैं, ईमानदार भी हैं और हर तरह से, रात को आधी रात को बुलाओ तो भी आ जाते हैं, मतलब मेरी लाइफ से उनकी लाइफ इतनी सिंक्रोनाइज्ड है कि आज अगर महावीर का एक्सीडेंट हो जाए और वो मर जाए तो मैं खट से एक साइनाइड का कैप्सूल खा लूँगा, नो अदर ऑल्टरनेटिव, एक रखता हूँ मैं अपने पास। महावीर की लाइफ एकदम सेफ और स्मूथ चलना चाहिए, उसको कार भी दे रखी है, उसके ट्रीटमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हूँ, हर तरफ से ये देखता हूँ कि महावीर की लाइफ मतलब मेरी लाइफ, इफ ही इज नो मोर आई एम ऑल्सो नो मोर, बैठा भी होगा मैं बोलता भी यही हूँ। तो क्योंकि आप नहीं समझते मेरी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, कपड़े
सिंपल सर है। कभी आपके माइंड में से कोई क्वेश्चन आते हैं जो पूछने चाहिए उनसे? जैसे मुझे अभी आ रहा है कि मतलब दिस पर्सन इज नेवर पिटीड हिमसेल्फ, खुद पे दया नहीं खाई कभी भी, राइट? इज ऑलवेज केप्ट पुशिंग योरसेल्फ। मेरे को अपने ऊपर दया नहीं आई, बल्कि मैंने हमेशा ये अपने आप को आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी, जैसे कहते ना अपने ऊपर दया नहीं आने का मतलब है कि दया क्यों आए मेरे को, या आई एम समथिंग वेरी ग्रेट। कम से कम नहीं तो 20-25 लोगों ने तो मुझसे पहले तो, अभी तो आप मुझे बहुत लो पोजीशन पर देख रही है, 1998 से लेके 2010 तक, नहीं तक लोग मेरे दर्शन ही करने आते थे, भगवान से कम मेरी डिग्री नहीं थी। हालांकि बड़ा मुश्किल है, भगवान तो कैसे आप मान सकते हो, किसी इंसान बने रहे वही बहुत है। वो लोग दर्शन करने आते थे और बड़ी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, वास्तव में होती थी IL में, क्योंकि वहाँ मेरी क्लास लगती थी इंस्ट्रूमेंटेशन में, उनके हॉल में ऑडिटोरियम में। एक लेक्चर में 1000 लोगों से इंट्रोडक्टरी क्लास में, मैंने आपको बताया भी था राक्षस के बारे में, तो उस राक्षस के बारे में जब लोग बताते थे हम, तो वो तो पेरेंट्स के लिए भी एक एजुकेशन हो जाती थी। और ये राक्षस की बात मेरे दिमाग में कैसे आई मुझे नहीं मालूम। सर, सिंस यू आर सेल्फ मेड मैन एंड यू हैव गॉन थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एज वेल एज इन योर बिजनेस, यू हैव गॉन थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, अप्स एंड डाउन्स, सेवन अप्स एंड डाउन्स। इन द स्टार्ट द सिचुएशंस अबाउट द बिजनेस एंड योर फैमिली, इट वर ऑल अंडर योर कंट्रोल, सो यू वर कंट्रोलिंग ऑल ऑफ देम अकॉर्डिंग टू यू। बट व्हेन द चिल्ड्रन ग्रोन अप, they had their own understanding with you and their feelings, then how can you suggest us, because we are young entrepreneurs, so what we should do and what we should not do in spite of our life and our business also, how should we personal and professional hamare sath dekhiye jahan tak ye actually business to tha hi nahi, ye to basically education thi, aur main I was enjoying teaching at home। मतलब अगर मैं बच्चों को पढ़ाते समय एंजॉय कर रहा हूँ तो मैं पढ़ाऊँगा, और अगर मैं सिर्फ पैसा कमा रहा हूँ तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग, मतलब आई मस्ट, मैं तो क्लास में भी बच्चों को बोलता था कि भाई देखो तुम्हारी समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट आई एम एंजॉइंग, इसलिए पढ़ लो। मैं मुझे तो ठीक है, पर आपके जो आसपास का जो सर्किल है, हाउ यू कैन मैनेज देयर। हाँ, वो जहाँ तक आपके बिजनेस का पैसा तो आता था, तो पहली चीज़ मैंने हमेशा अपने टीचर्स को और हमारे साथ जो काम करते थे उनको ये बताया कि भाई आप मोदी जी की फिलॉसफी पे चलो, एक नया पैसा फालतू मत, आप बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मैं हमेशा मेरे पास कई ऐसे 35 करोड़, 40 करोड़ ये इनकम टैक्स पे करता था, सर्टिफिकेट आता था यू आर द हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर, उसका सर्टिफिकेट भी लिया। और कई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मुझसे कहते भी थे चुपचाप आप वास्तव में बहुत गधे इंसान हो, क्यों? अरे भाई रख लो 10 करोड़ अपने पास, 5 करोड़ हमें भी दे दो और बाकी टीचर्स को भी बांटो। मैं कहता था देखो ये सब बात आप मुझे मत सिखाओ, अच्छी अच्छी बात सिखाओ, क्या करेंगे, बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है कागज़ के नोटों का। और मैं देख रहा हूँ कि आज अगर मैंने उनकी बात मानी होती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो मेरे पास एक ऐसा बाथरूम होता जिसके अंदर 10x10 के बाथरूम में कम से कम 150 करोड़ रुपये चुरा हुआ होता। और अब मोदी जी आ गए, मुझे सब बेकार कर दिया होता मेरा वो बाथरूम। तो अच्छे काम का नतीजा तो अच्छा ही होता है, मैं एक नए पैसे का गड़बड़ नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़ मेरी सहनशीलता कुछ इस तरह की है कि अगर मेरे पास जैसे आज बंसल क्लासेस है उसमें स्क्रैप, अब स्क्रैप तो स्क्रैप है, 2000 रुपये का स्क्रैप बिक गया, तो दैट इज़ बेसिकली ये मनी जो आप डेडली ऑनेस्ट हैं तो आप अकाउंट को दे दो, अदरवाइज ये कि भाई जिसको आप पुअर समझते हो
उसको दे दो, जिसको भी आप पूरा समझते हो, चाहे वो बेलदार हो, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे वो माली हो, जिसको भी आप डेफिनेशन में पुअर। तो अब पुअर की कोई वैसी डेफिनेशन तो होती नहीं है, तो मेरे शब्दों में पुअर की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, मेरी बाई हो सकती है, या मेरा कुक हो सकता है, या मेरा हेल्पर हो सकता है, जो केयर टेकर हो सकता है, उसको मैं पुअर ही मानता हूँ, क्योंकि वैसा रिश्ता तो है नहीं कि करोड़ों रुपया होगा। गरीबी डेफिनेशन और क्या हो सकती है।